परिस्थितियां मेरे लिए कल्याणकारी है। जी हाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं तो उससे टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, बल्कि और मजबूती से डटे रहना है कि ये आए हैं और मुझे इन विघ्नों को पार करना है। आज आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं। यदि आप ये जान लेते हैं कि किस परिस्थिति को कैसे देखना है, तब आपके लिए हर परिस्थिति कल्याणकारी है। निरंतर आध्यात्मिक प्रगति करने की एक युक्ति यह है कि आप हर घटना व परिस्थिति को, विशेषकर उन घटनाओं को जो आपको चुनौतियां देती है, ऐसे समझे कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रगति के विशेष उद्देश्य से बनाई गई एक योजना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक परिस्थिति में दिल तोड़ने वाले और क्रोधयुक्त शब्दों का आदान प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम ये क्यों न समझे कि इससे हमें अपने चरित्र के विषय में बेहतर समझने का तथा जहां सुधार अपेक्षित है, वहां सुधार करने का और अधिक अवसर प्राप्त हुआ है। अथवा ये क्यों न माने कि हमें जिस गुण वह विशेषता का अभ्यास करने की बार बार आवश्यकता पड़ती है, इस स्थिति के कारण हमें उसी गुण या विशेषता का पूर्वाभ्यास करने का मौका मिला है। हा? और मैं इसका एक्सपीरियंस बढ़ाऊं अपने अंदर ताकि इन चुनौतियों को और अधिक सतर्कता से, सहजता से पार कर सकूं। वास्तव में हमें अपना मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होने के लिए आभारी होना चाहिए। परिस्थितियां आई इसलिए हम खुद को देख पाए, जांच कर पाए कि अभी भी मुझे और डेवलप करना है अपनी इनर कैपेबिलिटीज को, राइट? तो इस तरह आप किसी भी परिस्थिति से सकारात्मक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये कभी मत सोचिए कि आपने काफी सीख लिया है और अब आप सीखना बंद कर सकते हैं। नहीं, वी आर गॉडली स्टूडेंट्स। हमेशा ये सीखिए कि हम स्टूडेंट्स हैं। यही समझे कि हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है ना। जब दूसरे लोग आपकी गलती निकालते हैं या आपको सलाह देते हैं, तो आपको उनकी ये बात अच्छी लगनी चाहिए, न कि उससे क्रोधित होना है। अहंकार होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और नम्रचित होंगे और दूसरे सुधार रहे हैं तो हम उनको थैंक्स कहेंगे कि उन्होंने हमें अपनी कमी बताई। इससे आप सावधान हो जाते हैं और आपको सत्यता का अभ्यास करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है। अपनी आलोचना सहन न कर सकना तथा अपने ज्ञान को दूसरों की आलोचना करने में प्रयोग करना तो बड़े खतरे का चिन्ह है। प्रत्येक पल का महत्व गहराई से समझो तो निश्चय ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हर एक पल से, हर एक व्यक्ति से मुझे सीखना है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, हर एक में कोई ना कोई गुण है। मुझे अपने विजन को ब्रॉडन करना है और बस सीखने के लिए स्वयं को नम्रचित बनाकर रखना है। सभी से सीखना है, जीवन का आनंद लेना है और खुश रहना है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।